अब क्योंकि स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, मोहसिन नकवी साहब और नजम सेठी साहब कमिश्नर साहब भी गवाह हैं, जब लाइटों का मसला बना कि टूर्नामेंट होगा या नहीं होगा, फिर सब ने कहा कि जी हो रहा है। अब न्यूजीलैंड की टीम आ रही है, एक तो तैयारियों का बताएं, दूसरा अब आपके आने से जो फैंस अंदर जाते हैं उनसे हैंड फ्री भी ले ली जाती है, पानी की बोतल भी ले ली जाती है, तो क्या कुछ फैसिलिटीज़ आप कायल करेंगे गवर्नमेंट को, सिक्योरिटी इदारों को, क्या आपकी वजह से मिलें? और दूसरा ये लाइटों का मसला जो है ना, इस बार तो नहीं है न्यूजीलैंड सीरीज में, आप जवाब गलत सवाल गलत बंदे से कर लिया ना आपने। नहीं मैं बिल्कुल हूँ, देखिए बात ये, मैं इसका जवाब दूंगा, पहले जरा हम पूरी एक डिस्कशन लेना ना इन डिटेल, क्योंकि ये कमिश्नर साहब जो है वो रह चुके हैं ना पीएसएल के साथ। मैं बता देता हूँ, उसमें ऐसा है कि लाइटों का मसला पहले भी नहीं था, लाइटों का मसला आगे भी नहीं होगा, सिर्फ हमारी उनके साथ कॉस्ट शेयरिंग के ऊपर डिस्कशन चल रही थी, वो हमने उनके साथ कॉस्ट शेयरिंग पर डिस्कशन हमारी हो चुकी हुई है, और वो कॉस्ट शेयरिंग डिस्कशन अभी की भी है, जो मैचेस गुजर गए हैं और आने वाली तमाम सीरीज़ के ऊपर हमारी पीसीबी के साथ एक पूरी अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे होगी, इसलिए वो इंशाल्लाह इशू नहीं होगा। और बाकी जो है वो बता दें, सिक्योरिटी हमने हम सारे सपोर्टर बैठे हुए हैं, उसके पीछे क्या मंतक है कि वो फैन से ले ली जाती है? वो अब डीजी स्पोर्ट्स आए हैं, उसके ऊपर देख लें, कोई अगर स्पेशल कहीं पे कोई ऐसी चीज़ आती है, सिक्योरिटी कंसर्न कहीं पे हो रहा है, मिनिस्टर साहब डायरेक्शंस देते हैं, और अगर हमारी सिक्योरिटी क्लियरेंस दे देती है तो हम करते हैं। देखिए इसमें, आपको पता है कि जो क्रिकेट है वो बहुत मुश्किल से पाकिस्तान में वापस आई है, और इसके लिए पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो कोशिशें की हैं। और देखिए ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि मैं अभी खुद अभी मुझे इतना टाइम नहीं हुआ, लेकिन जब अब फर्दर कोई भी टूर्नामेंट होगा और उसके सिक्योरिटी की जब ब्रीफिंग होगी तो उसमें मैं ये सवाल ज़रूर कर सकूंगा, और होपफुली उसके बाद मैं आप सबको उसका जवाब दे सकूँ। अच्छा सर, ये बताएं कि जब की ख्वाहिश है कि आप होते से इस्तीफा दें, यार मुझे तो बचपन से आदत है कि लोग बुरा भला कहते हैं, और मैंने आज तक कभी उस चीज़ का जो है ना वो बुरा नहीं मनाया, बल्कि जिस दिन मुझे ट्रोल नहीं किया जाता उस दिन मेरा दिन नहीं गुजरता, मैं तो अपने घर वालों को कह रहा होता हूँ कि यार आज मुझे कोई मैसेज नहीं आया। सो देखिए मेरी बहुत इसमें एक सिंपल एक ये चीज़ है कि देखिए आपको हर एक ओपिनियन को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ठीक है जी, और मैं हर एक ओपिनियन को रिस्पेक्ट देता हूँ। कुछ लोग जो हैं वो जज्बाती हैं, और कुछ लोग जो हैं वो शायद जानबूझ के करते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो चाहते हैं कि ऐसी बातें हों, लेकिन मेरा इसमें मोटिव बहुत क्लियर है जी, मैं यहाँ पे आया हूँ स्पोर्ट्स को फ़रोग देने के लिए, मैं यहाँ पे आया हूँ स्पोर्ट्समैन को हेल्प करने के लिए, मेरी तरफ से मेरी टीम की तरफ से जितनी कोशिश की जाएगी कि हम अपने जितने स्पोर्ट्समैन हैं उनको बिल्ड करें, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, मेरा मोटिव यो है। बाकी जो जिसका जो भी विजन है जी, जिसका जो भी वो तनकीद करना है ज़रूर करें, मैं हाजिर हूँ, आप करते हैं तो मेरा टाइम गुजरता है, और आई ऑलवेज रिस्पेक्ट योर ओपिनियन एंड ऑलवेज विल रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। मैं तो चाहता हूँ मुझे कोई हॉकी की टीम खिला ले, क्योंकि इंसेंटिव उसमें ज़्यादा है। सवाल आपसे ये था कि आपने कहा कि स्पोर्ट्स बोर्ड कोई ऐसा प्रोग्राम ऐसा या फ्यूचर में तरतीब दे रहा है? बिल्कुल जी, देखिए ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हम करेंगे, हमारी कोशिश है कि हम स्कूलों को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को साथ अपने लेके चले, हम उनके स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में कंपटीशन करवाएं, जिसमें से जो एक लॉट निकलेगी उसका हम पंजाब डिवीजन पे उनका एक टूर्नामेंट करवाएं, और उनको हम लोग यहाँ पे जो यहाँ पे हमारी फैसिलिटीज़ हैं उनमें केटर भी करें, ठीक है जी। ठीक, जो हमारा बैडमिंटन और टेबल टेनिस है, पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि जी इसमें नौ डिविजन्स जो है वो शामिल हैं, और उसके इसमें हर डिवीजन से चार मेल और दो फीमेल जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो हिस्सा लेंगी, और इनके विनर्स को, क्योंकि ये इंडिविजुअल सिंगल उस पर सीरीज़ होगी, नॉकआउट सीरीज़ होगी और सिंगल के मैचेस होंगे, तो ₹1,00,000 इनाम दिया जाएगा। इसी तरह कबड्डी में हम लोग विनिंग टीम को ₹10,00,000 का प्राइज़ मनी दे रहे हैं, और ₹5,00,000 जो है वो रनर्स अप को दिया जा रहा है। फुटबॉल में हम लोग जो है वो ₹5,00,000, ₹3,00,000 और ₹2,00,000 पे हम लोगों का है कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे। टेबल, क्योंकि टूर्नामेंट हो रहा है, ये एक रवायत है रमज़ान में, तो हम इसको ₹50,00,000 और ₹25,000 पे लेके गए। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम चाहते हैं कि जिस पे हमारी बात हुई है, जब हम सारे बैठे और हमारी बात हुई है, वो ये हुई है कि हम लोग हॉकी को रिवाइव करें, और आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि हम अपने जितने भी हॉकी प्लेयर्स हैं पंजाब के उनको बुलाएं और एक ऐसा टूर्नामेंट करवाएं जो कि एक तो यादगार हो, और इन लड़कों के लिए बहुत आगे आने वाले वक्तों में खेलने के एतबार से भी और फाइनेंशियली एतबार से भी काफ़ी उनके लिए प्रॉफिटेबल हो। तो जी, जो हॉकी के हमारे इनाम है वो ₹25,00,000 विनिंग टीम को मिल रहा है और ₹15,00,000 लूजिंग टीम को मिल रहा है। इसमें हमने थोड़ा सा इसको और बेहतर बनाने के लिए, थोड़ा और एंटरटेनिंग बनाने के लिए इसके कुछ रूल्स चेंज किए हैं।
ये 16 का स्क्वाड ही होगा लेकिन ये दो हिस्सों में खेला जाएगा। हाफ वन जो है वो 20 मिनट का होगा और हाफ टू भी 20 मिनट का होगा। इसमें जो चेंजेस है ये 8 असाइड होगी और जो पहले 8 लड़के खेल जाएंगे एक हाफ में वो दूसरे हाफ में 8 लड़के नहीं खेलेंगे, जो बेंच पे बैठे होंगे वो 8 लड़के खेलेंगे। नो सब्स्टिट्यूशन, अगर कोई इंजर्ड हो जाता है तो नो रिप्लेसमेंट। और फुटबॉल के भी हमने इसी तरीके से इसको, हम फुटबॉल का भी जो टूर्नामेंट करवा रहे हैं वो इसी तरीके से करवा रहे हैं। सो ये जी हमारा आगाज़ है और इसके बाद अब आपके कोई सवाल आता है तो वो करें। कमिश्नर साहब भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, डीजी स्पोर्ट्स साहब भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोगों के जो सवाल है जो आपकी है वो प्लीज़ आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। हमेशा जो भी टूर्नामेंट्स होते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स पंजाब उसको फंडिंग करता है। देखिए बिल्कुल मेरे ख्याल है इसका जवाब कमिश्नर साहब देंगे, अली रंधावा साहब देंगे, क्योंकि ये हमारी काफ़ी मदद कर रहे हैं। हम यही चाह रहे हैं कि हम इस प्रपोज़ल को सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा मैं कर दूं कि हम इस प्रपोज़ल को ये चाह रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ पंजाब बोर्ड की हद तक ना लेकर आएँ, हम इसमें स्पॉन्सरशिप्स लेकर आएँ, हम इसमें लोगों को मुतवजह करें। बाकी अली भाई तो ये बताइए, दूसरा आपसे मेरा क्वेश्चन है, आप यहाँ पर आए हैं होता ये है कि एसोसिएशन जो है यहाँ पे, मुझे एसोसिएशन का आदमी कोई नज़र नहीं आ रहा, जिनके पास बच्चे होते हैं जिनके पास क्लब होती है, क्या उनसे खवातीन की जहाँ तक बात आई तो मैंने मेंशन किया कि टेबल टेनिस और बैडमिंटन में जो हमारी खवातीन हैं वो बिल्कुल हिस्सा ले रही हैं। और देखिए मैं ये नहीं चाहता कि आप एक मेल और फीमेल, मर्द और औरत में जो है वो डिफरेंस रखें, इसलिए ये जो इनाम हमने अनाउंस किया है ये लेडीज़ के लिए, जो हमारी फीमेल एथलीट्स हैं उनके लिए भी ये इनाम है कि जो बैडमिंटन में जीतेंगी उनको 2 लाख मिलेगा और जो हारेंगी रनर अप होंगी उनको 1 लाख मिलेगा। सो हमारा बिल्कुल फोकस है ख़वातीन को, मैं चाहता हूँ कि ख़वातीन हमारे साथ शाना बशाना हमारे स्पोर्ट्स में काम करें। हमने दुनिया में देखा कि बहुत सी ख़वातीन जो है वो स्पोर्ट्स खेलती हैं और अपने लिए और अपने जो मुल्क है उनके लिए बहुत ज़्यादा उनकी कारकर्दगी है, मेडल्स लेते हैं। तो अभी सिर्फ क्योंकि हमने कहा कि जिस तरह ये सिर्फ टाइम हमारे पास लिमिटेड है, अगर आप डेट्स देखें 7 से 11 तारीख तक, तो हमने इसमें सिर्फ 2 गेम्स को ऐड किया ख़वातीन की। हमारा एक प्लान है जो अभी फर्दर हम चाह रहे हैं कि हम जून में एक पिंक ओलंपिक्स के नाम से एक टूर्नामेंट को काम उस पर काम करें जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये खसूसी जो टूर्नामेंट हो वो सिर्फ ख़वातीन के लिए हो। और इस पर अभी हम वर्किंग कर रहे हैं लेकिन ये कबल अज़ वक्त कहना भी ज़रा मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट्स होती रहेंगी हम इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन हमने जून को फोकस किया हुआ कि हम एक ऐसा टूर्नामेंट करवाएं पिंक ओलंपिक्स के नाम से जो ख़वातीन को, हमारे मुल्क की जो ख़वातीन हैं वो आएँ इसमें हिस्सा लें और हमारे स्पोर्ट्स को फ़रोग हो। देखिए दोनों है, जब तक आपके ग्राउंड्स भरे नहीं जाएंगे तो आपको प्लेयर्स मिलेंगे नहीं, और जब तक आपको प्लेयर्स मिलेंगे नहीं वो पाकिस्तान के लिए खिदमत दे नहीं सकते। तो देखिए सबको बुलाने का मकसद ये है और ये जो इनामात हैं इनको थोड़ा सा अट्रैक्टिव रखने का भी मकसद ये है कि जो ये लोग खेलने, ये जो बच्चे आएंगे यहाँ पर खेलने, उनको देखते देखते जो उनके अंडर जो हमारे इमर्जिंग प्लेयर्स हैं वो उसको जो है एक उससे बूस्ट लें, उससे एक इंकरेजमेंट लें कि आने वाले वक्त में वो भी इस इन टीमों का हिस्सा हो सकते हैं और वो भी आके परफॉर्म कर सकते हैं और फिर आगे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब आप ये बताते कि बाकी तो टीम्स हम देखते हैं डिवीजन की है मोस्टली, क्रिकेट की जो टूर्नामेंट हो रहा है उसमें बता दें किस प्लेस पे टीम बनी है और कौन सी टीम्स होंगी पार्टिसिपेट। क्रिकेट जो है वो हमने टेबल कॉम्पिटिशन रखा है इसको हमने, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखें रमज़ान में काफ़ी ज़्यादा टेबल जो क्रिकेट है उसका एक बहुत ज़्यादा होता है कि जी खेलते हैं हम सारे, मैं खुद उनमें से एक हूँ कि रमज़ान में जब सहरी का वक्त होता है तो उससे पहले आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं और आप इंजॉय कर रहे होते हैं। तो बेसिकली क्रिकेट को हमने सिर्फ इस फैक्टर के लिए रखा है बीच में।